MGT 503 की असाइनमेंट का सलूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले हमें असाइनमेंट है क्या। ये आपको पॉटर का जो फाइव फोर्सेस मॉडल है उसके हवाले से असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपने देखना है कि हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी वगैरह दी गई है, उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो पहली स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टैक्स रिबेट फॉर न्यू कंपनीज़, मोर देन 150 न्यू कंपनीज़ रजिस्टर्ड इन लास्ट 3 मंथ्स, गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स एंड एडवाइजेस टू यूज़ पेपर्स, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स टू सवात हैज़ बीन रिड्यूस ड्यू टू कोविड, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्स हैवी मशीनरी एंड नाउ द कस्टमर्स कैन सी द रिव्यूज़ ऑनलाइन इवन बिफोर द बाइंग एनी आइटम। अब मैं रिक्वायर इसमें क्या है कि हम लोगों ने ये टेबल को फिल करना है। हमने देखना है कि जो इसकी पाउडर की जो स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सी इसको हम फॉलो कर सकते हैं ये सारे केसेस के मुताबिक कौन सी किस केस में कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी तो पहला केस है हमारा कि गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टैक्स रिबेट सो मोर देन 150 कंपनीज रजिस्टर्ड इन लास्ट 3 मंथ्स। तो ये क्या है, हमें कौन सी इसमें जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। जब देखें कंपनी गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट कम कर दिया है, ठीक है, तो और कंपनीज़ को मौका मिलेगा मार्केट में आने का, जिसकी वजह से जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और सब्सिट्यूट ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो इसकी जस्टिफिकेशन आप ये लिख सकते हैं एज गवर्नमेंट ऑफर टैक्स रिबेट्स, ठीक है, टैक्स में कमी कर दी है सो न्यू कंपटीटर्स विल एंटर इन द मार्केट। तो ये एक थ्रेट है। नेक्स्ट जो है कि इसे वो गवर्नमेंट बैन्स प्लास्टिक बैग्स एंड एडवाइस टू यूज़ पेपर बैग्स, ठीक है, ये होगी जी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देगी, ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बैन कर देगी तो बहुत से कंपटीटर्स आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, जैसे कि पेपर बैग है या इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक बैग्स की जगह यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो केस है, ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का है। तो थर्ड वन जी है नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स टू सवात हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू कोविड, होटल्स हैव रिडिज़ाइन देयर ऑफरिंग टू अट्रैक्ट ट्रैवलर्स। तो ये रायबरेली का केस है एंड यू कैन से रायबरेली जो होती है उसमें रायबरेली में जो होता है इशू वो ये होता है कि आप एक कंपनी जो है कंपटीटर वो दूसरे के प्रॉफिट को लो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सवात में देखा जाए तो अकेले होटल्स तो नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो जो होटल्स हैं इन लोगों ने अपने ही अकेले अपने स्ट्रक्चर को रिडिज़ाइन कर दिया है ताकि वो कस्टमर्स को और ऑफर अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो इस लिहाज से सवात के जो दूसरे लोग हैं उनका जो है प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रायबरेली का केस है। फोर्थ वन है जी द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस न्यू प्रोजेक्शन रिक्वायर मोर मशीनरी। यहाँ पे जी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का केस बनता है ये, क्योंकि एज मोर सब्स्टिट्यूट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत से सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे क्योंकि मशीनरी उन्होंने ज़्यादा मांगी है, तो बहुत से उसके सब्स्टिट्यूट मशीनरी के आ जाएंगे मार्केट में, बहुत से कंपटीटर्स आएंगे जो कि मशीनरी ऑफर्स करेंगे। तो ये इस लिहाज से बहुत बार्गेनिंग पावर जो है वो इनक्रीज़ होगी मार्केट में। तो ये जो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी और वो एक दूसरे के साथ आपस में बार्गेन करेंगे कि ये चीज़ इतने की है और ये इतने की बिकनी चाहिए, ये सारा केस है, ठीक है। फिफ्थ वन जो है जो कस्टमर्स कैन सी रिव्यू ऑनलाइन इवन बिफोर बाइंग एन एनी आइटम। तो ये भी रायबरेली का ही केस है, जैसे कि अब जो नॉर्मल बिजनेस थे उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो कंपटीटर्स ही हैं ना एक बिज़नेस के, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल बिज़नेस थे उनका जो है वो काम कम हो गया, ऑनलाइन काम ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी अपने हैंडआउट्स को देख लें और अपनी जो PPT स्लाइड्स हैं उनको भी देख लें और अपनी वर्डिंग में आप लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।